હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ હિન્દી ધોરણ 9 પાઠ 3 ક્યા નિરાશ હોવા જાય. આ પાઠના આપણે સ્વાતિના પ્રશ્નોત્તરી મેળવી. તો આજનો આ વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં, જો તમે હજી સુધી અમારી આ ચેનલ સીડી એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલશો. શરૂ કરીએ. ક્વેશ્ચન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર 5-6 વાક્યો મેં લિખીએ. ક્વેશ્ચન 2, લેખક કા મન ક્યુ બેઠ જાતા હૈ? ઉત્તર, હમારે દેશ મેં અખબાર ચોરી ડકેતી તસ્કરી ઓર ભ્રષ્ટાચાર કે સમાચારો સે ભરે રહેતે હૈ. રાજનીતિક દલ એક દૂસરે પર આરોપ પ્રત્યારોપ લગાતે રહેતે હૈ. ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया. लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं. सब अपने अपने स्वार्थों में लिपते हैं. देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है. देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है. प्रश्न 2, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत एक प्राचीन और विशाल देश है. सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहीं बस गई. विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए. इस प्रकार भारत आर्या और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि है. भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है. यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गई है. भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए. इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है. प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है. धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं. धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है. धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं. धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, दोष आदि विकारों पर स्वयं रख सकती है और निष्कुष्ट आचरण करने से रोकती है. इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है. प्रश्न 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर, एक भारत लेखक सब परिवार बस यात्रा कर रहे थे. गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान रास्ता पर बस खराब हो गई. कंडक्टर समझ गया कि यहाँ बस अब आगे नहीं जा सकती. वह एक साइकिल लेकर चला गया. उस समय रात को 10 बजे थे. यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतरने लगे. लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए. ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया. यात्री उसमें सवार हो गए. कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था.
इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 5, लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? उत्तर, लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी हैं एवं झूठे फरेबी और ईमानदार लोग फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं। लेखक स्वयं कई बार ठगा गया है और उसने धोखा खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बढ़ाई है। लोगों के ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहारों को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, लोगों ने महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा परेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? उत्तर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। प्रश्न 3, भारत किसे निष्कृष्ट आचरण मानता है? उत्तर, भारत काम क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकार के इशारे पर छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण है। प्रश्न 4, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? उत्तर, देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचार बनाया जाए। प्रश्न 5, देश के दरिद्रजनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? उत्तर, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून को व्यवहार में लाने वाले अधिकार लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं। यह कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो रहे। प्रश्न 6, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उर्ध्वघाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वह बुरा बन जाता है। प्रश्न 7, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की? उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसा अवसरों पर भी हे प्रभु,
मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। प्रश्न 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार पढ़े रहते हैं? उत्तर, समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न 4, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। प्रश्न 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? उत्तर, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न 6, धर्म और कानून में क्या अंतर है? उत्तर, धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। प्रश्न 7, धर्म भीरु लोग किस बात में संकोच करते हैं? उत्तर, धर्म भीरु लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। प्रश्न 8, किन घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है? उत्तर, लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगाने वाली घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। प्रश्न 9, ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? उत्तर, ड्राइवर को मारपीट से लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने बचाया। प्रश्न 10, बस कंडक्टर का क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न 1, सही वाक्य चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया, लेखक। प्रश्न 2, भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह रूप में देखता रहता है, धर्म। 3, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें खाली जगह खोजने लगेंगे, दोष। 4, मेरा मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है, उदास। 5, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई है, समाप्त। प्रश्न 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। पहला, उच्च पदों पर बैठे लोग के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं, सही है। दूसरा, भारत ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व दिया है, उत्तर, गलत। 3, बस कंडक्टर पुरानी बस लेकर आया, उत्तर, गलत। 4, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, उत्तर, सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए। भारत के आदर्शों को कौन भूल गया है? उत्तर, जिम्मेदार लोग। 2, टिक टाबू में कौन सा गुण था? उत्तर, ईमानदारी का। 3, हमारे देश में कानून से बड़ा किसे माना गया है? उत्तर, धर्म को। प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। 1, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, ब लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, 3, क
लोग उसका विरोध करेंगे। उत्तर क, ब, लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। दो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना अ, रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था, ब, आम लोगों ने देखा था, क, तिलक और गांधी ने देखा था। उत्तर, तिलक और गांधी ने देखा था। प्रश्न तीन, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो अ, जीवन सुखमय हो जाएगा, ब, जीवन सुना हो जाएगा, क, जीवन कष्टकर हो जाएगा। उत्तर, जीवन कष्टकर हो जाएगा। प्रश्न पांच, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला, भारत सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। ए, अन्याय, बी, न्याय, सी, धर्म, डी, त्याग। उत्तर आएगा सी, धर्म। दो, बुराई में रस लेना खाली जगह बात है। ए, अच्छी, बी, उचित, सी, बुरी, डी, अयोग्य। उत्तर आएगा सी, बुरी बात है। तीन, टिक टाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपए रख दिए। ए, 100, बी, 10, सी, 5, डी, 9, डी, 90। प्रश्न चार, भारतवर्ष अब भी यह अनुभव करता है रहा है कि ए, कानून का आधार होना चाहिए, बी, धर्म कानून से बड़ी चीज है, सी, धर्म कानून का ही रूप है, डी, कानूनी सच्चा धर्म है, बी, धर्म कानून से बड़ी चीज है। पांच, इस समय सुखी वही है ए, जिसके पास सब कुछ है, बी, जिसके पास कुछ नहीं है, सी, जो कुछ नहीं करता, डी, जो किसी पद पर है। उत्तर, उसके पास जो कुछ नहीं करता। प्रश्न छह, जिसके उपेक्षा नहीं की जा सकती ए, ज्ञान की, बी, बल की, सी, बुद्धि की, डी, भूख की। डी, भूख की। प्रश्न सात, मेरा मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है। ए, प्रसन्न, बी, उदास, सी, सुख, डी, निराश। उत्तर रहेगा डी, निराश। प्रश्न विभाग दो, व्याकरण लक्ष्य प्रश्न। उसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक, तस्कर, तो उत्तर रहेगा चोर। दो, हताश, तो निराश। तीन, मनीषी, उत्तर रहेगा पंडित। चार, फरेब, तो धोखा। पांच, सहार, तो विनाश। छह, निरी, तो निराधार। सात, निष्कृष्ट, तो अधम। आठ, माहौल, तो परिस्थिति। नौ, त्रुटि, तो कमी। दस, कातर, तो भयभीत। दो, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। एक, ईमानदार, तो बेईमान। दो, भ्रष्टाचार, तो सदाचार। तीन, आंतरिक, तो बाह्य। चार, सबल, तो निर्बल। पांच, क्रोध, तो अक्रोध। छह, उचित, तो अनुचित। सात, अकारण, तो सकारण। आठ, निष्कृष्ट, तो उत्कृष्ट। नौ,
सच्चाई तो झूठ, 10 कायर तो वीर, 11 मनीषी तो मूर्ख। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। 1 आदमी में से आदमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा? उत्तर, आदमियत। प्रश्न 2, आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी हैं। उत्तर, ईमानदारी। 3, देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? उत्तर, व्यवहार। 4, आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया? उत्तर, विश्वास। 5, तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे? उत्तर, तस्करी। 6, सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की? उत्तर, उपेक्षा। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। 1, डाकू, तो उत्तर आएगा डकैती। 2, आदमी, तो उत्तर आएगा आदमियत। 3, बहुत, उत्तर आएगा बहुआत। 4, सभ्य, तो सभ्यता। 5, मानव, उत्तर आएगा मानवता। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। 1, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है? उत्तर, सामाजिक। 2, क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है? उत्तर, क्रोधी। 3, हर युग में समाज की अपनी साम्यत समस्या होती है? उत्तर, सामयिक। 4, परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है? उत्तर, परीक्षित। प्रश्न 5, परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते? उत्तर, भयभीत। 6, आज ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा? उत्तर, ईमानदार। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। 1, भारतीय। 2, समाज, तो सामाजिक। 3, क्रोध, क्रोधी। 4, समय, तो सामयिक। 5, धर्म, तो धार्मिक। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, धर्म से डरने वाला। उत्तर, धर्म भीरु। 2, मिलन की भूमि। उत्तर, मिलन भूमि। 3, सुख देने वाला। उत्तर, सुखद। 3, पुराने ख्याल वाला। उत्तर, दड़ियानुषी। 5, कसौटी पर खरे उतरे हुए। उत्तर, परीक्षित। 6, रास्ता भूला हुआ। उत्तर, गुमराह। प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, मन बैठा जाना। उत्तर, अर्थ, उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से उसका मन बैठा गया है। प्रश्न 2, फल ना फूलना। अर्थ, विकसित होना, समुद्र होना, समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। 3, पर्दाफाश करना। अर्थ, भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। 4, चेहरे पर हवाइया उड़ना। उत्तर, चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइया
उड़ने लगे। 5. कातर ढंग से देखना अर्थ भयभीत होकर देखना। वाक्य: सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। 6. ढांसस बंधना सात्वक देना अथवा तसल्ली देना। वाक्य: गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उससे ढांसस बंधाया। प्रश्न 7. ज्योति बुझना अर्थ मरना। वाक्य: दुश्मनों से लड़ते लड़ते महामारी की ज्योति बुझ गई। प्रश्न 9. निम्नलिखित शब्दों के उपसंग पहचान कर लिखिए। 1. बेईमान बे प्लस ईमान। 2. परिवर्तन परि प्लस वर्तन। 3. परिश्रम परि प्लस श्रम। 4. निरीक्षक नी प्लस इक्षक। 5. प्रत्यारोप प्रति प्लस आरोप। 6. विदेश तो वी प्लस देश। 7. सपरिवार स प्लस परिवार। 8. व्याकुल तो वी प्लस आकुल। 9. अपेक्षा तो उप प्लस इच्छा। 10. निराधार तो नी प्लस आधार। प्रश्न 10. निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक पहचान कर लिखिए। 1. निबंधकार निबंध प्लस कार। 2. बेईमानी तो बेईमान प्लस ई। 3. धोखेबाज तो धोखा प्लस बाज। 4. सामाजिक तो समाज प्लस इक। 5. भौतिक तो भूत प्लस इक। 6. महत्व तो महत प्लस त्व। 7. स्वाभाविक तो स्वभाव प्लस इक। 8. आध्यात्मिकता तो आध्यात्म प्लस इक प्लस ता। 9. तस्करी तो तस्कर प्लस ई। 10. परीक्षित तो परीक्षा प्लस ईत। 11. आंतरिक तो अंतर प्लस इक। 12. निरीक्षक तो निरीक्षण प्लस क। 13. राजनीतिक तो राजनीति प्लस क। 14. ईमानदार तो ईमान प्लस दार। 15. यूरोपीय तो यूरोप प्लस ई। 16. मानवतापूर्ण तो मानव प्लस ता प्लस पूर्ण। 17. समर्थक तो समर्थ प्लस क। 18. लेखक तो लेख प्लस क। 19. अच्छाई तो अच्छा प्लस ई। जो तमने अमारो आ वीडियो पसंद आव्यो होय तो अमारा वीडियो ने लाइक करो शेर करो और मारी आ चेनल सीडी एजुकेशन ने हजी सुधी तमे सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी तेना बेल आइकन पर क्लिक करवानुं न भूलशो। અને આવા જ વિડીયો જો તમારે જોતા હોય તો અમારી કમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂરથી કમેન્ટ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।